What's up guys, so welcome here to all of you. So I am Sudhir. So I, being a citizen of India, being a citizen of, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट है कि जानना कि उत्तर प्रदेश आपके स्टेट में, आपके इंडिया में, आपके कंट्री में क्या चल रहा है. तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है गाइस. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर और इस लेक्चर में बात करेंगे गाइस. इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ जो अभी पॉपुलेशन को लेकर एक फैक्ट निकल कर आ रहा है, टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. जैसा कि चाइना में अगर आया था, चाइना में थ्री पॉपुलेशन जो आया था, थ्री चाइल्ड पॉपुलेशन जो आया था उसके लिए हम बात किए थे. उसके बाद ये यूपी में, स्टेट उत्तर प्रदेश में ये चीज़ दिखल कर आ रही है कि यहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी की बात की जा रही है. तो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की अगर, तो उत्तर प्रदेश जो आप देख सकते हो मैप में, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो ये उत्तर प्रदेश आपको आठ स्टेट्स को अटैच करता है, यानी कि आठ स्टेट इसके साथ जुड़े हुए हैं. बात करें राजस्थान, बिहार जैसे आपको है, दिल्ली कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो इस तरह से नेपाल भी आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट देखने को मिलेगा. तो इस तरह से ये अभी आठ राज्यों के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है. आठ राज्यों के साथ अभी उत्तर प्रदेश ये जुड़ा हुआ है. तो बात करें कि उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र स्टेट्स है जिसमें कि 80 सीट्स आपको देखने को मिलती है ये इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में. तो 80 सीट ये है, यानी कि बहुत बड़ा राज्य और बहुत बड़ा जनसंख्या वाला राज्य भी है. तो ये जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है यार. और इस राज्य में ये उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो ये माना जाता है कि यहाँ से अगर आप जीत गए, यानी कि आप आधा देश जीत गए, तो ये चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं. तो ये आप देख सकते हो. बात करें इसके पॉपुलेशन की, थोड़ा सा हम लोग बात कर देते हैं कंट्री के बारे में, उसके बाद बात करेंगे स्टेट वाइज. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये डाटा आप देख सकते हो. उसके बाद टॉप मोस्ट पॉपुलेशन की बात करें कंट्रीज की, तो ये 1 जुलाई 2021 तक का डाटा है आपको देखने को मिल रहा है. ये 1 जुलाई 2021 तक का डाटा है. इसमें बात करें चाइना की, इंडिया की, तो ये चाइना फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया सेकेंड नंबर पर है आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड में. फिर यूएस है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, रसिया है और मेक्सिको है. उसके बाद ये टॉप 10 कंट्री हैं जो कि ये पॉपुलेशन की बात करते हैं. तो सेकंड नंबर में जो आता है हमारा कंट्री आती है इंडिया, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे चाइना आती है. अभी बात की जा रही थी कि चाइना जो है, इंडिया जो है अभी चाइना को रिप्लेस कर सकता है पॉपुलेशन में, कब तक, तो ये अभी कब तक कर सकता है बात की जा रही थी. तो 2030 तक ये बात की जा रहा था कि 2030 तक ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन हालांकि चाइना ने थर्ड पॉलिसी ला दिया है, थर्ड चाइल्ड पॉलिसी ला गया है सेकेंड के बाद, तो ये चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है और हम लोग कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं. तो हम कहीं ना कहीं एक ये मान सकते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन हम रिप्लेस कर सकते हैं चाइना को पॉपुलेशन में, ठीक है. लेकिन ये हम मुद्दे पर नहीं आएंगे और इसको हम डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें हम दिखाएं सिर्फ आप लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि आप लोग जान सके कि क्या है चीज़ें और क्या नहीं है, ठीक है. आइए बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में. अगर तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश ये होल ये वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा 5th नंबर पे मोस्ट पॉपुलेशन ये देखने को मिलता है कंट्री की बात करें तो, यानी कि कंट्रियों में से भी ये 5वें नंबर पे अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये आपको 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है. चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया है और उत्तर प्रदेश ये विश्व में 5वें नंबर पे स्टेट आपको देखने को मिलता है, जो कि ये पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 के हिसाब से. तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में कितना बड़ा राज्य है. तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा, इसीलिए यहाँ पे अभी माननीय योगी जी के द्वारा ये अनाउंस किया जा रहा है यहाँ पे यूपी प्लान. अभी नया प्लान क्या है कि ये रेडीज किया जाएगा टू चाइल्ड नॉर्म प्लान को लेकर, यानी कि दो चाइल्ड अगर आपके हैं या दो से अधिक हैं, तो दो हैं तो ठीक है लेकिन दो से अधिक हैं तो आपको कुछ छूट
नहीं मिलेगी कुछ कामों में, सरकारी नौकरी में बाधा आ सकती है, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ स्कीम्स आपको नहीं मिलेंगे देखने को। वेलफेयर की बात करें, जॉब्स की बात करें गवर्नमेंट, तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं आपको छूट देखने को नहीं मिलेंगी अगर आप दो से अधिक बच्चे वाले हैं तो। ये बात की जा रही है, और ये हम बात करें तो आज ही का दिन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और आज ही का दिन योगी जो का क्यों प्लान आया, क्योंकि आज है हमारा 11 जुलाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं आज के दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज के ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे योगी जी ने इसकी चीज़ को, इस फैसले को परमिशन दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अभी स्टेट लॉ बना रहा है कमीशन के द्वारा, यहाँ पे अभी प्रिपेयर किया जा रहा है, चीज़ को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन अभी प्रिपेयर किया जा रहा है इस बिल को। उसके बाद इस बिल को प्रिपेयर किया गया है, इस बिल को लाया गया है, उसके बाद आप पता है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई भी बिल डिस्कस होता है उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं। उसके बाद ये इसका भी, इस बिल को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर टू चाइल्ड को बनाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ बिल को लाया गया है योगी जी के द्वारा, सो यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो आइए बात करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्या चीज़ें बदलने वाली है। तो अगर हम बात करें, अगर आपके पास दो से अधिक बच्चे हैं तो आपको क्या नहीं मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ फ़ायदा भी मिलेगा और कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, राशन कार्ड की बात करें, या लिमिटेंस कोई पर्सन की बात करें, इस्टेब्लिश फैमिली वेलफेयर की बात करें, तो इसमें कुछ आपको चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती है। आप कुछ गवर्नमेंट्स की बात करें, राशन कार्ड की बात करें, तो राशन कार्ड में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कि आपको राशन कार्ड का जो सुविधा है वो कम देखने को मिले। लोकल अथॉरिटी की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करें, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है, ये हमारे अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है ये लास्ट तो। ठीक है, सो आई होप के अंडरस्टैंड किए होंगे इस चीज़ को, और आज 11 जुलाई है इसलिए इसको यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अगर फोर्स में आ जाता है तो ये एक साल पहले ही फोर्स में आया था, लेकिन इसके बाद ये पब्लिकेशन किया जा रहा है यहाँ पे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत काफ़ी जरूरी हो चुका है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। सो आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगर कि कमीशन ये अपडेट होगा, इसको बोला क्या है, ये जो ड्राफ्ट कमीशन है यानी कि जो बिल है, इस बिल को क्या बोला गया है, इस बिल को आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर बोला गया है। यह बिल का नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर, यानी कि इसमें इस्टेब्लिश भी लेना है और वेलफेयर भी रखना है और पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना है, तो इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को फोकस करते हुए चलना है, और ये 19 जुलाई तक का ये यहाँ पर सजेशन दिया गया है। सो आई होप कि इसको अंडरस्टैंड किए होंगे आप। अगर बात करें थोड़ा सा कि इसमें हम जो बात कर रहे थे कि क्या इसको छूट मिलेगी और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट की अगर थोड़ा सा बात करें, तो इसमें बेनिफिट की बात करें थोड़ा सा, तो 3% आपको इंक्रीज एम्प्लॉयर देखने को मिल सकते हैं कंट्रीब्यूशन में, यानी कि जो नेशन जो गवर्नमेंट है एडिशनल कुछ आपको देखने को मिल सकता है फ़ायदा, यानी कि सर्विस में, सब्सिडी सर्विस में, हाउस साइट्स में, आपको बिल्डिंग हाउस में, यानी कि आपको कहीं हाउस इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, हाउस टैक्स, इस सब में आपको कहीं ना कहीं, और ये रेट्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको छूट देखने को मिल सकती है, आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिलेगा ये सब बेनिफिट्स, तो ये सब बेनिफिट्स आपको तब भी देखने को मिलेगा जब आप 2 पॉलिसी को आप अगर फॉलो करते हैं। जी हाँ, अगर ये जो 2 पॉलिसी का आ रहा है ये उत्तर प्रदेश में, इस 2 पॉलिसी को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको कुछ छूट और कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो बेनिफिट्स आपके इलेक्ट्रिसिटी में है, आपके हाउस टैक्सेस में, आपके कुछ चार्जेस होंगे जो हाउस के, जो बिल्डिंग जो साइट्स होंगे, हाउस साइट्स होंगे, जो आप सर्विस लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं 3% की इंक्रीजिंग आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है एम्प्लॉयर में भी, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको उसमें भी छूट मिल सकती है अगर आप इस 2 पॉलिसी चाइल्ड को फॉलो करते हैं। बात करें कि अगर आपको मन नहीं है दो बच्चे का,
अगर आप एक ही बच्चा रखना चाहते हैं तो और बढ़िया है, और बेटर है, और आपके लिए सुविधाजनक होगी कि अगर आप एक ही बच्चा रखते हैं। अगर आप एक बच्चा रखते हैं केवल, तो एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप एक बच्चे रखते हैं आपको रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव होगा आपको एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स आपको कुछ मिलेंगे, जिसमें कि फ्री हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाती है, इंश्योरेंस की कुछ बात की जाएगी, कवरेज की जाएगी, और 20 वर्ष तक के आपके बच्चे को कहीं ना कहीं फ्री हेल्थ फेयर फैसिलिटी दी जाएगी, इंश्योरेंस दी जाएगी, और आपको प्रोफेशनल जॉब्स में, सिंगल चाइल्ड अगर रहते हैं आप एडमिशन, यानी कि सिंगल चाइल्ड हैं, तो उसमें एजुकेशन में भी, इंस्टीट्यूट में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आपको कहीं ना कहीं, मेडिकल साइंस में भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट में भी, मैनेजमेंट की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, फ्री एजुकेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल तक। स्कॉलरशिप भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं या बॉय चाइल्ड आपके पास है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल सकता है, अगर आप एक बच्चे को लेकर हैं। अगर आपके पास एक बच्चा है, या सिंगल, या गर्ल हो या बॉय हो, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर टू चाइल्ड आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा पॉलिसी है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है पॉलिसी, क्या सही है क्या गलत है, आप ज़रूर बता सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसको मैं नेट पर सर्च किया और देखा, इसको पढ़ा जाना, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो ये चीज़ें क्या है कि अगर आपके पास एक बच्चा है, वो गर्ल हो, अगर गर्ल है आपके पास एक बच्ची केवल, तो ये तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनल आपको 80,000 रुपये आपको देखना, सॉरी गर्ल है तो आपको 1,00,000 रुपये आपको देखने को मिलेंगे, 1,00,000 रुपये आपको दिया जाएगा अगर आपके पास एक गर्ल है। और अगर आपके पास एक बॉय है, एक ही बच्चा है, एक लड़का है, तो आपको 80,000 रुपये आपको देखने को मिलेंगे, 80,000 रुपये आपको दिया जाएगा। सो ये बेनिफिट है कुछ आपको, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई होप कि ये बिल जल्दी ही एक्ट में बदल जाएगा और जल्दी ही इसको पास किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो वही बात बोलते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। सो आई होप कि इस लेक्चर को आप लोग एंजॉय किए होंगे, और इस लेक्चर से काफ़ी कुछ ना सीखने को और जानने को मिला होगा आपको। सो या अगर आपको जानने को, आपको सीखने को अच्छा नॉलेज मिला है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। सो मिलते हैं फिर कल लेक्चर में, और आपसे मुलाकात होगी फिर नए लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, तब तक के लिए जय हिंद।